आपका भी पास्ट में कुछ अलग सी रेसिपी खाने का मन होता है तो आज मैं आप लोगों के साथ सुपर क्रिस्पी व्रत वाली आलू टिक्की शेयर करने जा रही हूँ, जो सिर्फ दो कच्चे आलू से एकदम सिंपल एंड इजी तरीके से बन जाती है। अगर आप एक बार इस तरीके से टिक्की बना लोगे ना तो गारंटी है पुराने सारे तरीके भूल जाओगे। तो सबसे पहले मैंने दो कच्चे आलू को ग्रेट कर लिया है और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे 2 से 3 बार। आप कद्दूकस जब भी करें तो उसे मोटी वाली साइड से ग्रेटेड करिएगा, जिससे मोटे मोटे लच्छे हमारे नजर आए। उसके बाद मैंने सबसे लास्ट में खोलते हुए पानी में इसको डिप कर अच्छे से वॉश कर लिया है और स्ट्रेन कर लेंगे हम कोई भी चन्नी की मदद से। ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल तैयार हैं। और अब आई बारी हमारा कुटू का आटा डालने की, क्योंकि हम व्रत वाली टिक्की बना रहे हैं इसलिए हम इसमें कुटू का आटा डाल देंगे और डाल देंगे साथ ही नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं और आटे को बाइंड कर लेंगे। एक साइड में मैंने तेल गर्म होने रख दिया था और दूसरी साइड में अपनी टिक्की को गोल गोल कर टिक्की वाली राउंड शेप दे देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने टिक्की को गोल गोल बना दिया है और ये देखिए इस तरीके से मेरी सारी टिक्की रेडी हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं हम इसको शैलो फ्राई करने। जी हाँ, हम टिक्की को यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करेंगे, यहाँ हम शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि टिक्की का असली तरीका जो सेकने का होता है वो शैलो फ्राई होता है। कम तेल में हम टिक्की को अच्छे से कुक करेंगे। हमें तब तक कुक करना है जब तक हमारी टिक्की हमें नजर नहीं आ जाए कि ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारी हो चुकी है। और स्लो टू मीडियम गैस पर ही हम इसको कुक करेंगे। आप तेज गैस पर कुक करेंगे तो ये टिक्की अंदर से पकेंगी नहीं, कच्ची रह जाएंगी। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पर मैंने टिक्की को दही, हरी चटनी और अनार दाने से सजा वजा दिया है। ये टिक्की दिखने में लग रही है ना, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट लगती है। तो इस नवरात्रि आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।